Hello student, we are going to start with chapter number 17, use of prepositions. So let's start with the chapter. Prepositions are used to show the location or position of an object. तो किसी object की location या फिर position बताने के लिए हम preposition का use करेंगे. The boy in front of his parents, the tortoise is in front of the rabbits. तो क्या है कि ये इनकी position को बता रहा है, यानी जो बॉय है वो अपने पेरेंट्स के ठीक सामने है और टॉर्टोइस जो है वो रैबिट के ठीक सामने है. तो क्या बता रहे हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं. तो जब किसी पोजीशन को इंडिकेट करना है उसके लिए सही वर्ड का हम यूज करते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो यानी यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ वो है हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट है द गर्ल्स स्टूड बिटवीन टू ट्रक्स. तो क्या है, ये जो लड़की है ये इन दो ट्रकों के बीच में है. तो ये अपनी पोजीशन को इंडिकेट कर रही है कि मैं इन दो ट्रकों के बीच में हूँ. तो जिसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. तो बिटवीन हमारे लिए क्या हो गई, प्रीपोजिशन, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि वो लड़की अभी किस पोजिशन पर खड़ी है. द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉयज. तो यानी यहाँ पर ये जो लड़की है ये इन दो लड़कों के बीच में खड़ी है. तो बिटवीन प्रीपोजिशन से हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि ये जो लड़की है इस टाइम किस पोजीशन में है, यानी किस डायरेक्शन में है. द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बॉय इज लुकिंग एट द बर्ड्स. ठीक है, तो बुक्स कहाँ है, टेबल पर है. तो ये क्या बता रहा है, इसकी लोकेशन को बता रहा है. तो जहाँ पर लोकेशन, तो ऑन प्रीपोजिशन हमें क्या बता रही है कि ये क्या है, बुक्स कहाँ पर है, टेबल पर है. ठीक है, तो ऑन जो है ये एक लोकेशन का काम कर रहा है. द बॉय इज लुकिंग एट द बर्ड्स. तो ये बॉय जो है ये किसको देख रहा है, बर्ड्स को देख रहा है. तो एट यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट है रजत इज स्टैंडिंग नियर हिज फादर. तो रजत कहाँ खड़ा है, अपने फादर के पास खड़ा है. द कब इज नियर द लोयन. तो कब कहाँ पर है, लोयन के पास में है. तो यहाँ पर दोनों में हमने नियर प्रीपोजिशन का यूज किया है क्योंकि दोनों एक में क्या है, एक दूसरे के पास खड़े हैं. तो पास खड़े रहने के लिए हमने नियर का यूज किया है. तो नियर हमारी क्या बन गई, प्रीपोजिशन. यानी ये उनकी क्या बता रही है, लोकेशन बता रही है. द गर्ल इज बिहाइंड द टेबल. तो लड़की जो है वो टेबल के पीछे है. द मैन इज बिहाइंड द कार. और मैन कहाँ है, उस कार के पीछे है. तो क्या है, ये लोकेशन को बता रहा है. ये इन दोनों सेंटेंस में बिहाइंड प्रीपोजिशन जो है ये लोकेशन को, उनकी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है. द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, द काउ इज इन द शेड. तो इन दोनों में क्या है, प्रीपोजिशन है. तो वो क्या बता रहा है, हमारी लोकेशन को बता रहा है, हमारी पोजिशन को बता रहा है. लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद नियर, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन और इन फ्रंट ऑफ. तो हमें क्या करना है, इन प्रीपोजिशन का यूज करना है इन सभी को फिल करने में. ठीक है, तो ये आप अपने होमवर्क में करेंगे. ये जितनी भी प्रीपोजिशन है चार पांच आपके सामने, आपको इन्हें इन सेंटेंस में फिल करना है. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.